module 80 causes of paromania we will discuss first the biological causes of paromania so uh, when we said that uh, we need to be discussed about the biological factors so uh, we know that it might be contain a genetic component neurotransmitter and mild brain uh, trauma okay तो जेनेटिक कंपोनेंट्स जो हैं जब हम उनकी बात करते हैं तो हमें पता है कि जीन gene, जेनेटिक का मतलब होता है कि जीन्स के थ्रू ट्रांसफ़र हो रही हो आ, कोई भी डिसऑर्डर जो है अब द पॉइंट इज़ कि जब हम बार बार आ, ये एक बात कर रहे हैं कि पैरोमिनिया जो है उसका सैम्पल साइज बहुत आ, कम है एंड वी डोंट हैव अ वेरी क्लियर स्टैटस्टिक्स कि किस तरह की प्रोपोर्शन जो है आ, वो पॉपुलेशन के अंदर जनरल पॉपुलेशन में एग्जिबिट कर रही है लेकिन जो भी स्मॉल डाटा हमारे पास अवेलेबल है बाय आइडेंटिफाइंग डिफरेंट फैक्टर्स उसमें ये uh, बात जो है वो क्लियर है कि देयर इज़ अ जेनेटिक प्री फॉर दिस डिसऑर्डर टू अब जेनेटिक uh, प्री का मतलब ये नहीं है कि अगर एक बच्चे को पैरोमेनिया है तो उसके फादर को भी पैरोमेनिया होगा या उसके मदर को पैरोमेनिया होगा नहीं इट माइट मीन कि उस बच्चे की फैमिली के अंदर इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर जो है वो रन कर रहा है हो सकता है किसी को क्लाप्टोमिया हो हो सकता है किसी को सबसे डिसऑर्डर हो हो सकता है किसी को कंडक्ट डिसऑर्डर हो किसी को एंटी सोशल पर्सनलिटी डिसऑर्डर हो तो या किसी को पैथोलॉजिकल गैम्बलिंग का प्रॉब्लम हो तो ऐसी फैमिली जिसके अंदर इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर जो हैं वो प्रिवेल करेंगे वो बहुत हद तक मुमकिन है कि वो बच्चों के अंदर ट्रांसफ़र हो सकते हैं आ, और उसकी जो मैनिफेस्टेशन है वो उनमें से एक पैरोमेनिया भी हो सकती है फिर आ, हम बात करते हैं नीरोट्रांसमीटर्स की नीरोट्रांसमीटर चूँकि ये इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर है इसलिए ये कहा जाता है कि इसमें डोपामी और सरेटोनिन का लेवल जो है वो डिस्टर्ब होता है एक रीज़न ये भी कहा जाता है कि अगर पेरेंट्स के अंदर डिप्रेशन या एन्जाइटी का डिसऑर्डर है तो चूँकि उसमें नीरो जो है वो सीरेटोन और डोपामीन जो है वो डिस्टर्ब हो सकते हैं तो इट मे पॉसिबल कि उसकी वजह से एक जेनेटिक फैक्टर जो है वो बच्चों के अंदर आ, आ गया हो जिसकी वजह से वो पैरोमेनिया जो है आ, आ, वो एग्जिबिट करें उसका डिसऑर्डर इसी तरह जो ब्रेन एबनॉर्मालिटीज़ हैं जब हम उसकी बात करते हैं तो ये देखा गया है कि इन बच्चों के अंदर आ, जो आ, 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 फोकल इंटीरियर सिस्टम है आ, जो लोब है जो आपकी फ्रंट पे होती है उसका जो फंक्शनल लेवल है वो बहुत ज़्यादा पुअर होता है इसके साथ साथ ये भी देखा गया है कि अगर किसी को कोई ब्रेन इंजरी आ जाए तो उसकी वजह से जो न्यूरो के पाथवेज़ हैं वो डैमेज हो जाते हैं और उसकी वजह से जो सारा फंक्शन है वो इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाता है तो दीज माइट बी द रीज़न्स जो कि किसी भी बच्चे के अंदर आ, ये डिसऑर्डर जो है उसको कॉज कर सकता है Thank you.